गाइस हम लोग फिर से आ गए हैं बेन 10 के दुनिया में और गाइस आज हम लोग शॉक रॉक बनने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जा करके देख लो। आज हम पार्ट 3 में बनने वाले हैं शॉक रॉक, तो चलते हैं बनते हैं शॉक रॉक। अरे क्या हुआ, अरे चलो सिंचन क्या कर रहा है यार, चल यार। ओके चलते हैं बोल भैया। ओके गाइस, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 फॉलो किया है, हम लोग आ गए हैं हैक्स के दुनिया में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे सामने है शॉक रॉक, तो हमें मिल चुका है अभी शॉक रॉक एलियन। ये हमारा थर्ड एलियन है गाइस, और हमारे सारे एलियंस को गायब कर दिया था, मतलब डिसेबल कर दिया था हैक्स ने, ठीक है। तो हम हैक्स को भी ढूंढ रहे हैं और साथ ही साथ हम लॉर्ड डेसिबल को भी मतलब डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 चेक कर लेना, फिलहाल हम देखते हैं शॉक रॉक क्या कर सकता है। बोल बे, शॉक रॉक के पास स्पाइडरमैन जैसी ताकत है। क्या बक रहे हो सिंचन, कैसे स्पाइडरमैन जैसी शक्ति हो सकता है? बोल बे, एक मिनट मैं दिखाता हूं मेरे को तो खेलने के लिए। हां तू खेल खेल खेल, दिखा तेरा स्पाइडरमैन वाला शक्ति। ये देखो। अरे हाँ यार। अरे भाई साहब, ये तो शॉक दे रहे के मतलब स्विंग करता है। ओ भाई साहब सिंचन, ये तो कतई खतरनाक है। गाइस आप लोग देख सकते हो यार, शॉक रॉक तो अपना मतलब ये बिजली की ताकत से मतलब बैट वैट सब कुछ बना सकता है। ओ भाई साहब मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो सिंचन अभी ऊपर चलना पड़ेगा फिर से। हाँ बोल भैया, ये देखो स्पाइडरमैन। अभी सिंचन नो स्पाइडरमैन, ओनली बेन 10। ओके ओके बोल भैया, अभी फिर से शायद से मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। सिंचन एक मिनट, ये क्या चीज है, क्यू प्रेस कर। हाँ कर दिया। ओ सिंचन इसको तोड़ना पड़ेगा शॉक की मदद से। हाँ बोल भैया, स्पेस तो दबा रहे हैं। पूरा दबा, पूरा पूरा पूरा, डर डर डर, यस यस यस, अभी टूटने वाला है और ये धमाका। अरे वाह गाइस, आप लोग देख सकते हो शॉक रॉक ने तो एकदम पूरा शॉक देके एक दरवाजा को ही तोड़ दिया। अभी मॉन्स्टर्स आने वाला है पक्का। बोल भैया आपको कैसे पता, क्योंकि हर घड़ी बदल रही है। एक मिनट, मैं कुछ और चीज बोलना चाहता था और कुछ और चीज निकल गया मुंह से, क्योंकि हर वक्त मॉन्स्टर्स ही निकलते। तो इसको स्पेस दबा के मैं इसको अभी तोड़ने वाला हूँ। वैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मिनट मेरे को फिगर आउट करने दो। शायद ओ हम लोग पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें शॉक दे दे के मतलब अभी यहाँ पे शायद से 3 ऐसे मतलब स्विच है। ये देख, एक मिनट, स्विच के बारे में बोल रहा था ना, पहले इन लोग को मार लेते हैं। ये ले, और गाइस आप लोग देख सकते हो मैं तो खींच के इन लोग को ला सकता हूँ अपने पास यार। ओ भाई साहब, ओहो मजा आ रहा है गाइस, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बोल मेरे को खेलने दो ना। ठीक है सिंचन ये ले। अरे ये देखो गाइस कैसे मैं मार रहा हूँ। अरे ये मोटा फिर से आ गया इस बार, लेकिन मैं शॉक रखू। अरे फिर से इसको कुछ नहीं हो रहा है। सिंचन इसको बैक में अटैक कर, क्योंकि फ्रंट साइड में इसका एक बहुत बड़ा शील्ड लगा है आयरन वाला। हाँ बोल भैया, लेकिन ये मतलब घूम जाता है ना, मैं जब भी बैक जाता। और ये देखो फिर से घूम गया ना। बैक जा बैक जा बैक जा, अब मार इसको, अब मार। हाँ मैंने मार गिरा है। अरे काइट, ये तो काइट की तरह है, एकदम पतंग की तरह है। अरे पतंग मॉन्स्टर, इसको मारो पतंग मॉन्स्टर को। हाँ बोल भैया मार रहे, इसको खींच खींच खींच। हाँ आप मार। अरे बोल भैया ये शॉक रखता ओपी है। अरे खत्म। ओके सिंचन, तो अभी हमें जल्दी से इधर से निकलना पड़ेगा, शायद से वो है, प्रेस कर। ओके जल्दी जल्दी जल्दी। ओह भाई साहब एकदम स्पाइडरमैन की तरह लग रहा है यार। तो अभी इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा फिर से, शायद से हमें उस स्विच को तोड़ना पड़ेगा। ओके इसको शॉक दे के खराब करना पड़ेगा, एक्चुअली हम खराब कर रहे हैं, ठीक है, शॉक दे के। और ये लो हमने खराब कर दिया, अभी हम लोग जा सकते हैं इस दुनिया के बाहर, मतलब इस दुनिया से हम लोग बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं सिंचन। हाँ ओके पोर्टल है सामने, तो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ओके ऑलराइट गाइस, हम लोग फिर से आ गए हैं रियल दुनिया में, तो हमें अभी इधर से निकलना पड़ेगा। लेकिन कैसे निकलेंगे? अरे यार एक्सेलरेट है हमारे पास, शॉक रॉक है, हीट ब्लास्ट है, तो निकलने का कोई टेंशन ही नहीं सिंचन। और इस बार शायद से शॉक रॉक यूज करना पड़ेगा। अरे हाँ बोल भैया, शॉक रॉक का सिंबल भी आ रहा है, एक मिनट में अटक गया था। ओके तो बोल भैया फिर से स्पाइडरमैन बन के निकलना पड़ेगा। ये हे, चलो शॉक रॉक इधर से निकलते हैं। अरे मिशन कंप्लीट भी हो गया। हाँ यार सिंचन एक मिनट, लास्ट टाइम हमने अपग्रेड किया था, मतलब दोनों चीजों को अपग्रेड किया था। हाँ लक को अपग्रेड कर। हाँ बोल भैया मैंने कर दिया लक को अपग्रेड। बहुत बढ़िया सिंचन, अभी हमने मिशन जैसे कंप्लीट कर लिया है, अभी शायद से बहुत मिशंस करना है हमको, ठीक है। अभी स्टोरी हमने हाफ भी कवर नहीं किया है। एक मिनट, किसका फोन आया? 100% ग्वेन का ही होगा, ये देख। ओके स्टिकी सिचुएशन। ओके तो वो एरियल मतलब वो रिपोर्टर आंटी, ठीक है, रिपोर्टर आंटी कुछ प्रॉब्लम में है सिंचन, तो जा करके उनको एक विजिट देते हैं। हाँ बोल भैया चलो। अरे यार ये लोग फिर से आ गए ना, ये पक्षी एलियन पक्षी। अरे यार तुम लोग यार क्यों आ जाते हो हर वक्त? मैंने तेरे को बोला था ना, हर घड़ी ये मॉन्स्टर्स आते ही रहेंगे, खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे सिंचन। बोल भैया लेकिन मैं फिर से शॉक हूँ, मैं फिर से नहीं मतलब मैं इस बार शॉक रॉक हूँ, मैं इन लोग को मार के ही छोड़ूंगा। आ जाओ खेच 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 के अपने पास बुला के मार। हाँ बोल भैया, अरे बस और एक है,
तुम अभी बच्चे हो ना, और ये लो, अरे ये तो ऊपर चला गया फिर से, खेच खेच खेच। एक्साइट क्यों बन गया सिंचन? बोल भाई एक्साइट में इसलिए बन गया क्योंकि नीचे भी है मॉन्स्टर्स। तेरे को कैसे पता? तेरा क्या तीसरा आंख भी है? बोल भैया ये तो बस एक अजम्पशन था, मतलब मैंने गेस किया था, लेकिन सही में यार मॉन्स्टर्स है। ये लो ये लो ये लो ये लो येलो येलो येलो, और एक मॉन्स्टर से येलो येलो येलो, और खत्म। एक्सेलरेट यूज करके ना मेरे को दूसरा एलियन यूज करने का मतलब मन नहीं करता। क्यों सिंचन? क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीके से मारता है ना। लेकिन शॉक रॉक को तो यूज करना पड़ेगा क्योंकि सभी एलियंस के पास अलग अलग एबिलिटीज है। हाँ वो तो है बोल भैया। और ये क्रिस्टल किस चीज की? तोड़ के देखते है क्या? ओके तोड़ते हैं। अरे फिर से अपग्रेड करना है। इस बार टू इंक्रीज कॉम्बैट डैमेज, इसको कर दे। हाँ हाँ बोल भैया कर दिया। तो अभी चलते हैं रिपोर्टर मैडम के पास, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। ग्वेंटो बोल रहे थे कि कुछ सिचुएशन में है, स्टिकी सिचुएशन, सो लेट्स गो एंड सी सिंचन क्या होता है। हाँ बोल भैया लेट्स गो। एक काम करते हैं, एक्सेलरेट बनते हैं। ओके सिंचन एक्सेलरेट बन, तू कूद पहले कूद। हाँ बोल भैया कूद गया अभी, अब देखना जैसे ही मैं जमीन पे पहुंचूंगा तुरंत एक्सेलरेट बन गया। ओह हाय बोल भैया मजा आ रहा है। टी नी 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 नी। ओके सिंचन ओके हम पहुंच भी गए। क्या हो गया? अच्छा पुलिस अंकल के साथ लड़ाई हो गया किसी चीज को लेकर के। The evil magician behind all this. ओके तो मतलब ये रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर है उसको लग रहा है कि ये सब मतलब झूठ है, ठीक है, ये सब मतलब कोई मतलब बना के ये सब चीज़ें कर रहा है, ये सिंबल्स वगैरह, मैजिशियन, मैजिक, मॉन्स्टर्स, ये सब मतलब इस पुलिस को बिलीव ही नहीं हो रहा है, पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। तो अभी बैंड को वही प्रूफ करना पड़ेगा। तो अभी रिपोर्टर आंटी ने बोला है सिंचन कि बैंड को अभी जाना पड़ेगा कज़िन मतलब कज़िन ने नेफ्यू के पास। रिपोर्टर आंटी का एक नेफ्यू है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर है। तो चलो देखते हैं वो कौन सा वाला नेफ्यू है जो बिल्डिंग के ऊपर है। अरे बोल भैया मेरे को दिख गया वो रहे। अरे यहाँ पे तो टीन टीन है, कौन सा वाला नेफ्यू है? बीच वाला होगा साइड से। आर यू लुइस? योर आंट एरियल टोल्ड मी। अरे पूछ रहा है कि मैं तुमको जानता हूँ क्या यार? बैंड 10 को कौन नहीं जानता यार। अरे और बोल रहा है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो हम लोग को कुछ करके दिखाएगा, मतलब जो प्रूफ करना पड़ेगा बैंड 10 को, अभी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि वो सही में बैंड 10 है। और भाई साहब क्या ही मिशन मिला है, इन लोग का एक फ्लॉप एल्बम है, ठीक है, ये लोग मतलब आर्टिस्ट है, तो इन लोग का एल्बम को अभी हमको रेडियो में कुछ करके झोल झाल करके पूरे शहर में सुनाना पड़ेगा इन लोग के गाने को, ठीक है, तभी ये लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन देने वाले। बोल भैया क्यों ऐसा करते हैं लोग? मेरे को क्या पता सिंचन, तेरे जैसे ही है। बोल भैया आपके जैसे मैं ऐसा नहीं हूँ। ओके सिंचन जंप कर, हिट ब्लास्टर जंपिंग एक्सपर्ट, तो देख सकते हो गाइस क्या ही कमाल तरीके से जंप कर रहे हैं। ओहो मजा आ गया। ओके सिंचन अभी एक काम करते हैं, एक्सेलरेट बन ले और तुरंत हम चलते हैं क्योंकि अभी भी 189 मीटर्स दूर में है ऑब्जेक्टिव, तो उधर जाना है। अरे भाई साहब आज तो एक्सेलरेट ने भी जंप कर दिया। ओके तो कहाँ से जाना पड़ेगा? इधर से रास्ता तो बहुत जगह से रास्ता है, इधर से ही निकल लेते। ओ भाई इधर तो एक रेलिंग है। बोल भाई ये रेलिंग वाला मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, एक्सेलरेट क्या ही स्मूथ तरीके से जाता है ना। हाँ सिंचन क्योंकि पैर में उसके बॉल जैसा कुछ लगा है ना, बॉल बियरिंग। अरे बोल भाई ये क्या है? एक मिनट, शॉक रॉक को यूज करके ऊपर जाना पड़ेगा, रेडियो टावर है ये, चंक टावर। अरे भाई साहब गाइस आप लोग देख सकते हो क्या ही कमाल तरीके से अभी शॉक रॉक जा रहा है ऊपर। अरे 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 नीचे नीचे मत जा सिंचन, तेरे को ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर, एंड एंटेना के साथ कुछ जोल जाल करना है। बोल भैया ये मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन लोग का गंदा गाना को प्ले करना पड़ेगा और सभी लोग सुनने वाले हैं। सिंचन क्या ही कर सकते हैं यार, ये डिमांड क्या है, तो अभी तो डिमांड को मतलब कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अभी इधर मॉन्स्टर्स निकालने वाले शायद से। मैंने बोला था ना। अरे बोल भाई आपने सही बोला था कि हर जगह मॉन्स्टर्स है। और ये लो ये लो, अरे ये लो ये लो, अरे मटक क्यों नहीं? पहले इस मोटू को मार ले। इस मोटू ने तो भाई साहब इस बार तो एक अलग ही शील लगा के आ गया सामने। एक काम कर, तू देख सकता है इस मोटू के सामने एक बहुत बड़ा ये है शील्ड है ना, तो एक काम कर पीछे जाके इसको किक कर। अरे नहीं हो रहा है। अरे अरे ये लो ये लो ये लो, और ये लो ये लो ये लो। बहुत बढ़िया सिंचन बहुत बढ़िया। अभी अरे नीचे नहीं जाना है सिंचन, तेरे को इधर से एक्सेलरेट बन करके, हाँ बूस्ट अप करके इधर से कूदना पड़ेगा। हाँ बोल भाई मेरे को दिख रहा है। ओके कूदते हैं, चलो मजा आ गया। फिर से सिंचन फिर से डबल जंप लगाना पड़ेगा। ओ ये बोल भैया मजा आ रहा है। फिर से ट्रिपल जंप लगाना पड़ेगा, जंप लगा। ओके सो ये थर्ड फोर्थ जंप और ये फिफ्थ जंप, और हम लोग शायद से रेडियो टावर के ऊपर पहुंच चुके। हाँ बोल भैया रेडियो टावर के ऊपर पहुंच चुके, अभी क्या है स्मूथ तरीके से जा रहा हूँ। इधर भी मॉन्स्टर्स आएंगे शायद से। अरे यार मॉन्स्टर्स इतना क्यों आते हैं? ओके मैं इन लोग को मार लेता हूँ जल्दी जल्दी करके, फिर स्विच को तबाह करना पड़ेगा। अरे आ जाओ ये लो। ओके बोल भैया तो मैंने सभी मॉन्स्टर्स को तबाह कर दिया, अभी स्विच को भी तबाह करते, और ये लगाया मैंने शॉक और खत्म।
अभी इन लोग का गाना बजने वाला है शायद। हाँ सिंचन, सुनते हैं इनका गाना। ओके, कुछ नहीं बजा यार। और मेन काम तो अभी भी करना है, मतलब ये तो बस मतलब इनिशियल है, इनिशियल सेकेंडरी, ये है मेन वाला टावर, तो इसके साथ जोलजाल करना पड़ेगा, इसको शॉक दे के तोड़ते और फिर हम लोग को गाना सुनने का मौका मिलेगा। लेट्स लिसन दी सॉन्ग। ओ ये तो सही में बहुत बढ़िया वाला सॉन्ग है यार। अभी ये लोग विश्वास कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम अभी हम लोग के साथ घूम सकते हो, घूमना नहीं है, इन्फॉर्मेशन चाहिए। द मीडियम ऑफ नाइट, मीडियम ऑफ नाइट ये क्या चीज है सिंचन? बोलिए एक मिनट, मैं सुन रहा हूँ स्टोरी में क्या हो रहा है। मीडियम ऑफ नाइट एक कॉमिक बुक सीरीज है और उसमें लिखा है कि मीडियम ऑफ नाइट बुक में ये लिखा है कि 4 मैजिशियंस है जो कि शहर में तबाह करने का कुछ प्लान बना रहे ओके, तो आज वो एकदम लेटेस्ट एडिशन शहर में निकलने वाला है, तो अभी बैन उसको ढूंढने वाला है, तो अभी शायद से कॉमिक बुक, हाँ यही है कॉमिक बुक स्टोर। बोल बे चलो पूछते, हाँ चलो उसको चाहिए लेटेस्ट, 100% नहीं होगा शायद इसके पास। हाँ मैंने बोला था ना, अरे बोल बे वो तो सोल्ड आउट हो गया, मैंने बोला था ना लेटेस्ट कॉमिक बुक सीरीज है यार, और ऐसे कार्टून के दुनिया में सेल ना हो ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल हो सकता है। सो सिंचन अभी बोल रहा है कि जो ट्रक है, जो किताबों का डिलीवर करने वाला ट्रक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, शायद से एक दो कॉपी हम लोग को मिल जाए। और ये रहा ट्रक, अरे ये ट्रक तो चल बस यार, अरे अरे पकड़ 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 सिंचन, पकड़ पकड़ पकड़, अरे ये तो बक्से फेंक रहे, अरे यार मैं बैंटा नहीं हूँ, अरे भाई साहब रोड में क्या ही हालत। कटे बोल भाई ये ट्रक ड्राइवर तो बिल्कुल आपके जैसा है, इसको भी शायद से 5 साल की उम्र में लाइसेंस मिल गया। सिंचन यार हर वक्त इंसल्ट करता है ना तू यार। बोल भाई सही में आप देखो ना कैसे अजीबो गरीब से ट्रक चला रहा है। सिंचन तू पहले ना टक्कर मारना बंद कर लाइट के खंबे में, ठीक है? अरे बोलबे ये देखो क्या कर रहे है, अरे मैं बेंटन हूँ यार, एक्सलाइट हूँ यार, मैं कोई विलन नहीं हूँ यार। अरे शायद से उसको पता नहीं, मतलब ये ऑटोमेटिक से गिर रहा है शायद से उसके ट्रक से, उसको रोकना पड़ेगा। अरे रुक जा, अरे भाई साहब ये क्या ही ड्राइविंग कर रहे है, तो मैंने सिंचन रोक दिया है इस ट्रक को। अभी वो ट्रक ड्राइवर बोल रहा है कि इन एलियंस को मारना पड़ेगा, शायद से वो तब मुझे कॉपी देने वाला है, तो मार लेते हैं। ओके अभी हिट ब्लास्ट बनते, ये लो ये लो ये लो, अभी मैं हिट ब्लास्ट बन के भी इन लोग को मार सकता हूँ, पहले भी मारा था मैंने इन लोग को हिट ब्लास्ट बन के, बट द थिंग इज दैट गाइस हिट ब्लास्ट बन के ना थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हो जाता है, एंड एक्सलेट बन के थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से मार सकता हूँ, लेकिन शॉक रॉक बन के यार हैवी हिट कर सकता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और इसके पीठ में मारना पड़ेगा, जैसे मैं इसके पीठ की तरफ जाता हूँ ना ये घूम जाता है यार, ये देखो। अरे बोल भाई मारो 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 मारो, पीठे 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 नहीं पीछे पीछे, क्या पीठे पीठे, अरे अरे आ जाओ इसको खींच के मार 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 सिंचन, और ऑल राइट बहुत बढ़िया सिंचन, अभी ऊपर जाना पड़ेगा, एक मिनट ऊपर नहीं यार अभी बात करना पड़ेगा। यस अभी बैन पूछने वाले, हाँ मैंने बोला ना बैन पूछने वाला है कॉमिक का लेटेस्ट सीरीज, श्योर बोल दिया तो मिल गया है बैन डैन को कॉपी। अभी यही कॉपी हम लोग को वो मोमाए के बच्चे जो मतलब एकदम नशे में थे उनके हवाले इन किताबों को मतलब देना पड़ेगा, शायद से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके बोल भाई फिर चलते हैं, चलो सिंचन चलो जल्दी चलते हैं, लेट्स जंप एंड लेट्स गो, लेट्स गो बोल भैया। ओके सिंचन तू बहुत स्लो कर रहा है। बोल भाई हम पहुंच गए हैं अभी शॉक रॉक का यूज करके, हाँ मैं छत में चढ़ गया हूँ और वो रहे सामने, अभी हिट ब्लास्ट बन के जंप कर रहा हूँ और अभी इन लोग को सरप्राइज करेंगे, सरप्राइज। ओके इन लोग को मिल गया, देखो लेटेस्ट एडिशन। ओके तो उस किताब में यह भी लिखा है कि वो मैजिशियंस कुछ क्रिस्टल्स यूज करने वाला है उनका ताकत बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ वो मैजिशियंस इस दुनिया को रूल करना चाहते हैं, ठीक है? और शायद से उन मैजिशियन में से मेन जो मैजिशियन है वो है हैक्स, गाइस हैक्स हो सकता है गाइस। हाँ बोल भैया हैक्स हो सकता है क्योंकि वही तो पहला वाला मैजिशियन है ना, और शायद से वही है वो 4 मैजिशियंस, क्योंकि हैक्स तो अपने आप में मतलब अपने आप को बहुत सारे रूप में बदल सकते हैं। हाँ सिंचन हो भी सकता है, अभी हम लोग को पता चलने वाला है, अभी बैन जाने वाला रिपोर्टर मैडम के पास, तो लेट्स सी क्या होता है गाइस, लेट्स गो। अरे ये हैक्स तो फिर से आ गया, सिंचन इस बार हैक्स को जाने मत दे। बोल भैया इस बार हैक्स को जाने नहीं देंगे, आ जाओ हैक्स। अरे 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 बोल भैया ये हैक्स फिर से रास्ते को ऐसे ऊपर लेके आ रहा है। सिंचन तू एक्सेलरेट है, तेरे सामने अगर रास्ता आ जाए, चाहे पहाड़ भी आ जाए, चाहे पहाड़ भी आ जाए जमीन के अंदर से, तेरे को रुकना नहीं। बोल भैया क्या ही बोले, अरे बोल भैया अब कैसे जाएंगे। सिंचन
हर चीज का सॉल्यूशन है। इस बार शॉक रॉक है तो शॉक रॉक जा पाएगा, ये देख कैसे आराम से जा रहा है। अरे हाँ बुलबे, क्या ही आराम से जा रहा है शॉक रॉक। अरे वाह मजा आ रहा है। हैक्स तुम नहीं बचने वाले क्योंकि इस बार मेरे पास तरह तरह एलियंस है। सिंचन यार अभी भी हम लोग के पास 3 ही एलियंस है यार। अभी हम लोग को 4 आर्म्स बनने हैं, बहुत सारे एलियंस बनने बाकी हैं यार। डायमंड हेड बनना है यार, रेड बनना बाकी है। फिलहाल हम हैक्स को पकड़ लेते हैं, फिर एलियंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हाँ बोल भैया। और ये रहा हैक्स। एक मिनट गाइस, आप लोग देख सकते हो हैक्स तो वही सीक्रेट पोर्टल में जा रहे हैं, सीक्रेट दरवाजे में। हाँ सिंचन, उसी सीक्रेट केव में शायद से हैक्स वहां पे कुछ मास्टर प्लानिंग कर रहा है। तो हैक्स तो अंदर चला गया, सिंचन हमें भी अंदर जाना पड़ेगा। ओके बोल भैया, जा रहे चलो चलो शॉक रॉक, चलो चलो चलो। सिंचन कुछ करने वाला है हैक्स, पक्का कुछ करने वाला है। यू वोंट गेट अवे विद दिस हैक्स। अभी बेंटन बोल रहा है कि तुम बचने नहीं वाले, लेकिन हैक्स बोल रहा है कि बहुत लेट हो गया, अभी तुम नहीं बचा पाओगे। किस चीज से नहीं बचा पाऊंगा भाई? अबे अरे ये तो एक पोर्टल में चला गया, चल 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 इसके पीछे पीछे चल। हाँ बोल भी आ गया। अरे बोल भी, ये तो बहुत बड़ा एलियन है यार। एक मिनट सिंचन, मेरे को पता चल गया इस एलियन को डिफीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तेरे को यहाँ पे क्रिस्टल्स दिखाई दे रहा है ना, एक तो सामने की तरफ है, एक तो कोने की तरफ है, मतलब उधर जाना पड़ेगा शायद से। इन क्रिस्टल्स को डिफीट करने के मतलब तोड़ने के बाद हमको हम इसको डिफीट कर पाएंगे। हाँ बोल भी ऐसा ही लग रहा है। तो सिंचन जल्दी से इन लोग को डिफीट कर, और जल्दी से क्रिस्टल को डिफीट कर, मतलब जल्दी से क्रिस्टल को तोड़ इन लोग को डिफीट करके। हाँ बोल भी वही कर रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर ही क्रिस्टल एक्सलेट बनना पड़ेगा। हाँ बोल भैया, एक्सलेट बन के मैंने आ गया और इसका तोड़ने वाला हूँ, और देखते इस। अरे हाँ बोल भैया, आपने सही बोला था, इसका पावर कमजोर पड़ रहा है। हाँ सिंचन, अभी ऐसे करके हमें और 2 क्रिस्टल्स को तोड़ना है, जल्दी जल्दी कर सिंचन। हाँ बोल भैया जल्दी जल्दी करे। लेकिन क्या कर रहा है सिंचन तू, इधर का उधर कर रहा है, इधर चला मैं इधर चला भाई, इधर को जाना पड़ेगा दूसरा क्रिस्टल तोड़ने के लिए। हाँ बोल भैया जाने, चलो एक्सलेट। ये तो बहुत काफी बड़ा मॉन्स्टर है बोल भैया। ये लो शॉकरॉक, तोड़ो इसको। ओके सिंचन बहुत बढ़िया, शायद से और एक को तोड़ना है क्रिस्टल, एंड वो क्रिस्टल कहाँ है? पीछे 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 की तरफ, मेरे को दिख गया। हाँ ब्रो मेरे को भी दिख गया, मैं तोड़ने वाला हूँ इस क्रिस्टल को। ओके वो रहा ऊपर, और अरे ये क्या फेंक रहे, ओ बाप रे गाइस देख सकते हो यही क्या ही ताकतवर, और मैंने इसका ताकत खत्म कर दिया। सिंचन हमने शायद से इसको डिफीट कर दिया। एक मिनट क्या हो रहा है, ये मर रहा है क्या? अरे ये तो छोटा बन गया। हाँ इस बार तो तुम नहीं बचने वाले, ये तो छोटा बन गया। ये लो वो भाई साहब क्या ही हिट कर रहा है यार। ये लो ये खतरनाक एलियन है सिंचन, ये खतरनाक एलियन। ओ भाई साहब मेरा हेल्थ बार देख सकते हो गाइस, मेरा हेल्थ बार इट्टू सा रह गया। अरे ओ भाई साहब एक्सलेट को भी इसने बिठा दिया यार, मार मार के मार इसको सिंचन, थोड़ा ही हेल्थ बाकी रह गया इसका। अरे बुबे मारे, ये काफी शक्तिशाली है, मार ये मर जाएगा। पीछे 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 ये, अरे मरता क्यों नहीं बोल भैया, हमने खत्म कर दिया फाइनली। हाँ सिंचन यार, यह हैक्स तो यार कत्ता ही मतलब बहुत शैतान है यार, तो खत्म कर दिया। अभी शायद से इधर से हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं, देखते हैं कहाँ निकलते हैं गाइस। ओके लेट्स सी गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं तो किसी बर्फीले जगह में आ गया हूँ गाइस, एंड ये कोई नया टाउन है गाइस, एंड यहाँ पे तो बर्फीले मॉन्स्टर्स भी हैं गाइस। ये लो एक मिनट गाइस, मेरे को एक चीज यहाँ पे याद आ रहा है, हम तो यहाँ पे हीट ब्लास्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने एक्सलेंट बन लिया। You are my hero. हाँ यार बेंटन तो सभी का हीरो है यार, मैं क्या बोल रहा, बेंटन मतलब हीट ब्लास्ट को यूज करके यहाँ पे आराम से मतलब मॉन्स्टर्स को डिफीट करने, वो तो आग वाला एलियन है ना। तो ये शहर देख पूरा बर्फीला शहर है गाइस, आप लोग देख सकते हो यार, ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और केविन तो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच भी गए यार, क्या ही फास्ट है यार ये लोग। ओके तो मैंने जैसे बोला था हीट ब्लास्ट बन के अभी हेल्प कर रहा हूँ माय गाइस, क्योंकि ये तो पूरा बर्फीला जगह है और हीट ब्लास्ट का यहाँ पे एडवांटेज है क्योंकि वो तो एक फायर टाइप एलियन है। तो अभी हम हेल्प कर रहे हैं कि बर्फ को गला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो हीट ब्लास्ट का भी यही काम हो गया कि लोगों के घर से वो बर्फ जो जमे हुए बर्फ है उसको पिघला रहे। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है सीन। सो गाइस अभी इसको पिघलाना है, और एक नीचे होगा शायद से, कहां है बोल भाई, वो रहा। अरे हाँ वो रहा, अरे फिर से कहां जा रहा हूं मैं। ओके पिघला दिया। एक मिनट यार, उस बर्फ के अंदर तो ये इंसान फंसा था यार, कैसे अभी जिंदा है पता नहीं। सो गाइस अभी मेरे को एक आंटी के साथ बात करना है। बोल भाई ये रहा अंदर की तरफ, इन्हीं से बात करना पड़ेगा। हाँ सिंचन। थैंक यू। ओके ओके वेलकम 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 वेलकम, थैंक यू थैंक यू। अरे वाह मेरे को फाइनमैन बोल रहे हैं। तेरे को नहीं, बेंटन को बोल रहे हैं। बोल भैया अभी मैं प्ले कर रहा हूँ ना बेंटन का कैरेक्टर, तो मैं ही अपने आप में वो तारीफ मतलब ले रहा हूँ। ठीक है बहुत बढ़िया कर रहा है।
गाइस अभी हम लोग को फिर से एक नया मिशन मिल चुका है। अभी वो जो आंटी बोल रही है कि ऊपर के तरफ एक मतलब आदमी फंसा हुआ है और साथ ही साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, उनको डिफीट करना है। तो चलो देखते हैं कौन सा आदमी फंसा है। और अभी मैं हिट ब्लास्ट इसलिए बना हूँ क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा जंप लगाना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया जंप क्या बोल रहे हो यार, हैवी हैवी जंप्स, हाई हाई जंप्स लगाना पड़ेगा। बोल भैया हिट ब्लास्ट बहुत ऊंचा कूदता है क्योंकि ये मतलब आग की मदद से थोड़ा ऐसे बूस्ट अप कर लेता है। हाँ सिंचन मैं भी वही देख रहा हूँ। ये देखो गाइस कैसे आग के मदद से थोड़ा ऐसे थोड़ा और ऊपर की तरफ जंप कर लेता है। ओके बोल भैया ये देखो हम शायद से ऊपर पहुंच चुके हैं। सिंचन अभी तो बहुत जाना है शायद से। आप लोग देख सकते हो हम तो एक पहाड़ में आ गए हैं गाइस, एक बर्फीला पहाड़। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत तूफान आ रहा है, बर्फीला तूफान। और कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को ठंड नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अभी हिट ब्लास्ट बना हूं। बोल भैया हिट ब्लास्ट को तो कभी ठंड भी नहीं लगता है ना, लेकिन उसको तो बहुत पसीना आता होगा ना। सिंचन वो तो एलियन है ना, वो प्रजाति उसका प्रजाति यही है कि वो आग वाला एलियन है, उसको कुछ महसूस नहीं होता है, बस उसके पास आग वाला पावर्स है। हाँ बोल भैया मेरे को भी हीट ब्लास्ट बनना है। सिंचन तू बनेगा हीट ब्लास्ट, एक मैं तेरे को जलाऊंगा सिंचन, टेंशन मत ले। ओके सिंचन अभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स है तो इन्हीं मॉन्स्टर्स के बारे में शायद से बोल रही थी आंटी, तो जल्दी से खत्म कर लेते हैं। सिंचन क्या कर रहा है? बोल भैया मैं आपकी तरह स्विच स्विच करके मार रहा हूँ। मतलब एलियन को स्विच करके मार रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया कर रहा है। और एक वॉइड, इसका मतलब समझे गाइस, इसका मतलब समझे सिंचन? बोल भैया इसका मतलब ये है कि और एक नया एलियन मिलने वाला है हमको, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गाइस। तो चलते हैं वॉइड के अंदर और देखते हैं इस बार कौन सा एलियन बनने वाले हैं। गाइस हम लोग आगे हैं और सामने की तरफ। एक मिनट सिंचन मैं तो दूर से पहचान गया, ये तो द टाइगर रैट है। बोल भी रैट है क्या? हाँ सिंचन जल्दी से प्रेस कर जल्दी से। एक मिनट प्रेस कर रहा हूँ। अरे क्यों कुछ नहीं हो रहा है? अरे हो रहे हो रहे। अरे गाइस हम लोग तो रेड बन के हैं, रेड द टाइगर रैट एलियन। सिंचन बहुत मजा आने वाला है गाइस, पार्ट 4 में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो पार्ट 4 में हमको रैट का ताकत के बारे में पता चलने वाला है। गाइस आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हो, मुझे बहुत दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखना, पार्ट 4 भी लेके आएंगे, कमेंट कर देना पार्ट 4। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, तब तक ले गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो। बाय बाय गाइस, लव यू। एलियन सरप्राइज का असर हो गया, उसे बांधा चक्कर लाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया।